हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। यहाँ साइड में लोगो लगा हुआ है हमारे ऑफिशियल ऐप का। सो ऑफिशियल जो ऐप है उसका नाम भी फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट है। अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और आपको PDFs चाहिए जो भी हम क्लासेस में करते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं हमें। सो टेलीग्राम चैनल में आफ्टर ईच लेक्चर या किसी भी एक टॉपिक के कम्प्लीशन के बाद मैं ये PDF वहाँ शेयर कर देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप टेलीग्राम में जाने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बहुत सारी प्लेलिस्ट्स हैं, आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अब हम आज के लेक्चर पे आते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या शुरू करा था, हमने शुरू किया था एग्जामिनेशन ऑफ फाइबर्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा था एग्जामिनेशन ऑफ फाइबर्स में, हमने देखा था कि जनरल एग्जामिनेशन होता है। जैसे ही आपको फाइबर सैंपल मिलता है, जैसे ही आपको फाइबर सैंपल मिलता है, आप कलेक्शन प्रिजर्वेशन करोगे एंड फाइबर सैंपल आप कहाँ भेजोगे, लेबोरेटरी में, कहाँ, फॉरेंसिक लैब में। फिर फॉरेंसिक लैब में वो जब आपका फाइबर सैंपल आता है तो एग्जामिनेशन उसकी शुरू होती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या बनाना है, अल्टीमेटली आपको रिपोर्ट बनानी है उस सैम्पल के लिए, उस एविडेंस के लिए। ठीक है, तो आप पहले क्या करते हो, आप पहले करते हो जनरल एग्जामिनेशन, फिर जनरल एग्जामिनेशन से मूव करोगे फिजिकल एग्जामिनेशन या केमिकल एग्जामिनेशन में, राइट। डिपेंडिंग अपॉन दी, लाइक इट डिपेंड्स ऑन दी अमाउंट ऑफ आपका सैंपल। अगर सैंपल ज़्यादा है तो आप कोई भी टेस्ट पहले कर सकते हो, अगर आपके पास सैंपल कम है तो पहले आप नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक पे जाओगे। ठीक है, कहाँ, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स यूज़ करोगे, ताकि इन टेस्ट के बाद आप दूसरे टेस्ट भी सेम सैंपल पे परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो पहले आप मूव करोगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स में एंड देन फिर आप मूव करोगे डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि नॉन डिस्ट्रक्टिव सारे टेस्ट आपने कर लिए हैं, फिर अगर आपका सैम्पल डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव टेक्निक आप बाद में क्यों यूज़ करते हो, डिस्ट्रक्टिव टेक्निक हम बाद में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हमारा सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम पहले वो सारे टेस्ट नहीं करते जिससे आपका सैंपल ही डिस्ट्रॉय हो जाए, आपको रिजल्ट्स मिले नहीं, सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो आपके एविडेंस कलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स आप पहले यूज़ करोगे एंड देन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक आप यूज़ करोगे। तो ये जो एग्जामिनेशन है, पहले आपने करना है जनरल एग्जामिनेशन। ठीक है, जनरल एग्जामिनेशन में क्या देखा था, ये सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में ये सारी हमने कवर कर ली है। देन फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक एंड देन इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, ये सीक्वेंस है, ये डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो एग्जामिनेशन है ये प्राइमरी एग्जामिनेशन या प्रिजम्प्टिव टेस्ट होते हैं। प्रिजम्प्टिव मीन्स ये आपके इन्वेस्टिगेशन को नैरो डाउन करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। क्या करते हैं, ये आपके इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्शन देते हैं। क्या देते हैं, डायरेक्शन। एंड देन फिर आप सेकेंडरी या कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन करते हो, जिससे आप चीज़ें कन्फर्म कर लेते हो। ठीक है, जिससे आप चीज़ें क्या कर लेते हो, कन्फर्म कर लेते हो। तो ये सीक्वेंस होता है आपके एग्जामिनेशन का। ये हमेशा याद रखना है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक पहले यूज़ करनी है एंड देन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक यूज़ करनी है। और सिर्फ फाइबर सैम्पल या फाइबर एविडेंस के केस में आपने ये नहीं फॉलो करना, आपने सभी एविडेंसेस के केस में यही फॉलो करना है कि पहले नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स एंड देन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, तो ये आपका एग्जामिनेशन हो गया, फाइबर एग्जामिनेशन। ये हमने देख लिया था जनरल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में डेंसिटी ग्रेडियंट एग्जामिनेशन आता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एग्जामिनेशन आता है, टेंजाइल स्ट्रेंथ, फ्लोरोसेंस एंड ऑल दैट, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया। तो आई विल नॉट स्टार्ट दिस। सो आज हम केमिकल टेस्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, केमिकल एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं केमिकल एग्जामिनेशन, ये हमारा प्रिजम्प्टिव टाइप का एग्जामिनेशन, दिस इज योर प्राइमरी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं योर केमिकल टेस्ट। क्या है आपका केमिकल टेस्ट, क्या कर रहे हो आप, केमिकल टेस्ट कर रहे हो, केमिकल टेस्ट। सो केमिकल टेस्ट में क्या क्या हमने देखा था, सो केमिकल टेस्ट में आप देखोगे जितने भी सॉल्वेंट एक्शन, सॉल्वेंट मतलब डिफरेंट केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए केमिकल टेस्ट। सो दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट आते हैं केमिकल टेस्ट के अंदर। सो पहला आ गया आपका बर्निंग टेस्ट। एक और टेस्ट आ जाता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट।
ठीक है। सॉलिबिलिटी टेस्ट में आप डिफरेंट सॉल्वेंट यूज़ करके देखोगे कि आपका जो फाइबर सैंपल है वो डिजॉल्व हो रहा है या वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। इस सॉलिबिलिटी टेस्ट के जगह पे आप इसे सॉल्वेंट एक्शन टेस्ट भी कह सकते हो, ठीक है, AKA सॉल्वेंट एक्शन टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है स्टेनिंग टेक्निक, स्टेन टेस्ट, स्टेन टेस्ट। सो स्टेन टेस्ट आपके फिजिक्स लैब मैनुअल में नहीं है, इट्स नॉट देयर इन फिजिक्स लैब मैनुअल, ठीक है। बट स्टिल ये जो स्टेन टेस्ट है ये आपके टेक्सटाइल एग्जामिनेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर वाले सेक्शन में है। किस सेक्शन में है? टेक्सटाइल एग्जामिनेशन, तो ये मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपके केमिकल टेस्ट में आती हैं, ये सारी चीज़ें आपके कहाँ आती हैं? केमिकल टेस्ट में आती है। तो बर्निंग टेस्ट हो गया, सॉल्वेंट एक्शन टेस्ट हो गया, ठीक है, स्टेनिंग टेस्ट हो गया, ये सारे के सारे केमिकल टेस्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनके या तो केमिकल नेचर को टेस्ट केमिकल नेचर पता लगा रहे हैं, टू एग्जामिन केमिकल नेचर ऑफ फाइबर, ठीक है, या तो फिर आप एक और रीजन है हम इसे केमिकल टेस्ट कहते हैं बिकॉज यू आर यूजिंग केमिकल्स ऑन फाइबर एविडेंस, सो इसलिए ये कहलाते हैं आपका केमिकल, ये सारे टाइप ऑफ टेस्ट कहलाते हैं केमिकल टेस्ट, क्लियर। सो एक एक करके देखेंगे केमिकल टेस्ट। आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं बर्न टेस्ट, ठीक है। आज के लेक्चर में हम क्या कवर कर रहे हैं? आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं बर्न टेस्ट, ठीक है। ये कौन सा नेचर, ये इस एग्जामिनेशन का नेचर क्या होगा? बर्न टेस्ट, बर्न टेस्ट इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है डिस्ट्रक्टिव। कौन सा नेचर का टेस्ट है ये? डिस्ट्रक्टिव। तो अगर आपके पास गुड अमाउंट ऑफ सैंपल है तभी आप ये यूज करोगे, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। इसका नेचर क्या है? डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है बिकॉज यू आर यूजिंग हीट और फ्लेम टू सी द रिएक्शन ऑफ योर पर्टिकुलर फाइबर एविडेंस, ठीक है। सो बर्न टेस्ट में आपने क्या करना है? बर्न करके देखना है फाइबर, ठीक है। इसका नेचर क्या है? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव की मैंने ढंग से लिखा नहीं था, लाइक राइट दिस थिंग अगेन, डिस्ट्रक्टिव नेचर, ठीक है। नेचर क्या है? डिस्ट्रक्टिव नेचर, इट्स डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव। इसका नेचर है डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। बर्न टेस्ट हम दो बर्न टेस्ट को हम दो सेक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। किस सेक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं बर्न टेस्ट को? आप बर्न टेस्ट को कैटेगराइज कर सकते हो एस्टिंग्विशेबल फाइबर्स और नॉन एस्टिंग्विशेबल फाइबर्स, ठीक है। अब ये एस्टिंग्विशेबल फाइबर क्या है या नॉन एस्टिंग्विशेबल फाइबर क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम बर्न टेस्ट पढ़ रहे हैं। बर्न टेस्ट में आपने क्या देखना है? बर्न टेस्ट में आपने देखना है कि फाइबर कैसे रिएक्ट करते हैं, हाउ दे रिएक्ट, और हाउ फाइबर सैंपल, फाइबर एविडेंस लिखते हैं, आर रिएक्टिंग टू फ्लेम। तो हम इनके कैरेक्टरिस्टिक नेचर को देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फाइबर विल रिएक्ट विथ फ्लेम डिफरेंटली, सो वी कैन राइट इवन दैट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फाइबर विल रिएक्ट डिफरेंटली टू फ्लेम, लेट्स राइट टू फ्लेम, ओके। सो डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे आपके फ्लेम को, जो भी आपका सोर्स ऑफ फ्लेम आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो हमने क्या बोला? हम बर्न टेस्ट में फाइबर्स को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, तो लेट्स राइट बर्न टेस्ट,
बर्न टेस्ट लिख लिया, अब हमने क्या कर दिया, इसे कैटेगराइज कर दिया. हम बर्न टेस्ट के थ्रू कैटेगराइज कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज नॉन सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर्स, नॉन सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर्स. फिर आप इधर लिख सकते हो सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल. ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर. हमने दो कैटेगरीज में डाले, हमने दो कैटेगरीज बना ली, सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल, सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर्स. अब ये नॉन सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल और सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर्स क्या हैं? ठीक है, सो नॉन सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल वो फाइबर होते हैं जो आप फ्लेम से अलग करने के बाद भी कंटिन्यूसली बर्न करते रहते हैं. एंड सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल वो फाइबर होते हैं जैसे ही आपने फ्लेम सोर्स ऑफ फ्लेम से उस फाइबर को हटाया वो जलना बंद कर देते हैं, ईजी लैंग्वेज में. सो सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर्स वो फाइबर्स हैं, दोज फाइबर्स ओके विच कीप ऑन बर्निंग इवन आफ्टर वी रिमूव इट फ्रॉम द सोर्स ऑफ फ्लेम. ठीक है, सोर्स ऑफ फ्लेम से आप हटाने के बाद भी वो कंटिन्यूसली जलते रहते हैं. एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो आई गेस हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स, मोस्ट नेचुरल फाइबर्स. सो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम, बट सिल्क एंड वूल इसके एग्जाम्पल नहीं है. सिल्क सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल टाइप का होता है. ठीक है, सो मैंने क्या बोला कि जो फाइबर, जो भी कैटेगरी के फाइबर, जैसे ही आप बर्न टेस्ट करोगे, जैसे ही आप फ्लेम से हटाओगे, वो कंटिन्यूसली बर्न होते रहते हैं, वो बर्न हो जाते हैं इवन आफ्टर आप उसे सोर्स ऑफ फ्लेम से हटा लो. ये हो गए आपके नॉन सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर्स. ठीक है, सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर क्या होते हैं, इसके अपोजिट होते हैं. सो वी कैन राइट दोज फाइबर्स. अच्छा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, एज इट इज आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी. सो दोज फाइबर्स विच स्टॉप्स बर्निंग when we remove it from the source of flame. ठीक है, अब इसका example क्या हो गया, इसका example आप लिख सकते हो synthetic fiber. अगर natural fiber की बात करें, natural fiber में आता है silk. ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल है. तो बर्न टेस्ट में आप दो बड़ा कैटेगराइजेशन कर सकते हो, राइट, सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर एंड नॉन सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक टर्म है आपके फाइबर सैंपल का, एक कैरेक्टरिस्टिक टर्म है कि ये आपके नॉन सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल टाइप के फाइबर हुए या सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल टाइप के फाइबर हुए. अब आपने करना कैसे, आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो, तो हम पहले देखेंगे, पहले आप सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल देख लो या नॉन सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल देख लो. तो लेट्स सी सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर. ठीक है, तो सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर सबसे पहली कैटेगरी है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आप ये देखोगे कि अगर सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल है तो आप फिर और फर्दर कैटेगरीज देखोगे. ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है. तो लेट्स राइट नॉन एक्सटिंग्विशेबल टाइप ऑफ फाइबर्स. ठीक है, नॉन सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल, नॉन सेल्फ नॉन सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर्स. तो ये हमने लिख लिया. एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बोला कि नेचुरल फाइबर्स. सो नेचुरल फाइबर्स में भी जो सेल्यूलोजिक फाइबर होता है, कौन से फाइबर, सेल्यूलोजिक, जिनमें सेल्यूलोज कंटेंट होता है, जैसे कि कॉटन. ठीक है, तो ये
सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल टाइप के फाइबर होते हैं। अब इनमें भी वेट अ मिनट, व्हाट हैपेंड, ओके फाइन, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो नॉन सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर होते हैं उनको फिर हम फर्दर देखेंगे कि पहली कैटेगरी तो देख ली कि ओ सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल है, तो हो सकता है सेल्यूलोजिक फाइबर हो सकता है नेचुरल कैटेगरी का फाइबर हो। फिर आपने उसके और एक दो बिहेवियर देखना है, फिर क्या देखना है, अगर वो बर्न होता है या फिर सेमी बर्न होता है, पूरा कंप्लीटली बर्न हो जाता है या फिर सेमी बर्न या फिर धीरे धीरे बर्न होता है, हम कह सकते हैं जिसे चारिंग कहते हैं, ठीक है। या फिर आप देखोगे कि बर्न होने के टाइम पे मेल्ट होता है या श्रिंक होता है, तो फिर से कैटेगराइजेशन कर लेते हैं, फ्लो चार्ट बना लेते हैं, इट्स इजी टू रिमेंबर, ऐसे फ्लो चार्ट से एवरीथिंग इज इजी टू रिमेंबर। सो लेट्स राइट बर्न हो रहा है या फिर उनमें चारिंग हो रही है, ठीक है। लेट्स राइट सेमी बर्न, ओके। अब ये कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, या तो सेमी बर्न होगा या तो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा या फिर मेल्ट होगा, कुछ फाइबर देखना मेल्ट होते हैं या फिर श्रिंक हो जाते हैं, फिर श्रिंक होते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी हो गई। अब श्रिंक हो रहा है ये भी आपने देखना है कि फ्लेम के साइड में हो रहा है या फिर फ्लेम से अवे हो रहा है, श्रिंक्स अवे फ्रॉम द फ्लेम और श्रिंक इन द फ्लेम, away from the flame or into the flame, ठीक है। ये कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे, अगर ये बर्न हो रहे हैं और सेमी बर्न टाइप का कैरेक्टरिस्टिक आपको दे रहे हैं, चलो येलो से ही लिख लेते हैं, ठीक है। अगर सेमी बर्न टाइप का आपको कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं तो ये या तो रिड्यूस हो जाएंगे, ये इनका रेसिड्यू, सॉरी बर्न होंगे चार होंगे तो इनका रेसिड्यू किस टाइप का होगा, अगर ये कैसा रेसिड्यू बना रहे हैं, ये बना रहे हैं फाइन ग्रे एश, क्या बना रहे हैं फाइन ग्रे एश, और ओडर क्या है, अगर ओडर बना रहे हैं कैसा ओडर बना रहे हैं, पेपर बर्निंग, पेपर एंड वुड बर्निंग, ठीक है। अगर पेपर जलता है और वुड जलता है जैसी स्मेल आ रही है तो वो हो सकते हैं, आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये कौन सा फाइबर है, कॉटन, ओके आई विल राइट इट हियर, वो कॉटन हो सकता है, कॉटन के अलावा फ्लैक्स हो सकता है, ठीक है। फ्लैक्स के अलावा क्या हो सकता है, रेयन, ठीक है, रेयन हो सकता है या फिर विस्कस रेयन, ठीक है, विस्कस रेयन। तो ये आपका बन गया फ्लो चार्ट, ठीक है, ये आपका बन गया फ्लो चार्ट। अब इधर आ जाते हैं, या तो वो मेल्ट हो रहे हैं या तो श्रिंक हो रहे हैं, इसके बाद क्या होगा, ये कैसे रेसिड्यू क्रिएट करेंगे, ये रेसिड्यू बनाएंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये रेसिड्यू बनाएंगे आपका डार्क सॉलिड कलेक्टिव मास। सबसे पहले तो डार्क सॉलिड कलेक्टेड मास जिसे हम कहते हैं बीड, ठीक है, राइट इट ह्योर दूसरे कलर से डार्क, ठीक है, ये क्रिएट करेंगे। ऑर्डर कैसा बनाएंगे, ये ऑर्डर बनाएंगे विनेगर बर्निंग की, ठीक है, विनेगर बर्निंग बना रहे हैं। तो अगर ये सब बना रहे हैं तो ये कौन सा टाइप ऑफ फाइबर हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, ये सेल्यूलोज एसिटेट हो सकता है, सेल्यूलोज एसिटेट हो सकता है, ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ एसिटेट्स,
तो आप कंक्लूड कर सकते हो या फिर ट्राई ऐसे डेट्स. तो ये आपके नॉन सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर जो कंटिन्यू जलते रहते हैं, आपने उनको फ्लेम से हटा लिया फिर भी. अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल टाइप के. ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल. सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर्स ओके. सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर हो गया. सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल फाइबर में भी हमने कैटेगरीज बना लेनी है. ठीक है, क्या तो वो बर्न हो रहे हैं, या तो वो मेल्ट हो रहे हैं, या तो वो श्रिंक हो रहे हैं. ठीक है, बट इसमें बर्निंग चार्ट भी होती है, मेल्टिंग भी होती है, तो हम सेम सेम चार्ट बना रहे हैं. ये भी एक तरीके से रिएक्ट करेंगे, राइट. ऊपर से बनाते हैं ये फ्लो चार्ट ताकि नीचे जगह बच जाए. सो ये बन गया. एक साइड लिख लो मेल्स और श्रिंक्स अवे. फ्रॉम फ्लेम. सो फ्लेम से दूर भाग के चल रहे हैं, बट ये जैसे ही आप सोर्स ऑफ फ्लेम से हटाओगे ये जलना बंद कर देते हैं. ठीक है, या तो ये बर्न ब्रीफली बर्न होंगे. ओके, या तो फिर ये आपके फ्रेम से श्रिंक होंगे. ओके, दे श्रिंक अवे और सेमी बर्निंग इफेक्ट भी देते हैं. ठीक है, सेमी बर्निंग इफेक्ट भी दे दिया. एंड देन उसके बाद आपने क्या देखना है कि रेसिड्यू कैसा बनाते हैं. ठीक है, बर्न होने के बाद तो रेसिड्यू क्रिएट करेंगे, राइट. तो अगर ये रेसिड्यू क्रिएट करते हैं आपका हार्ड बट कलर में लाइट कलर्ड या फिर पिंक और क्रीम कलर. क्रीम कलर्ड बीट. ठीक है, और ये क्या होते हैं, अगर ओवर हीट कर दिया, इफ ओवर हीटेड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डार्क. ये हो जाएगा आपका डार्क, इसलिए ओवर हीट नहीं करना है. ऑर्डर कैसा बनाएंगे, ऑर्डर कैसा बना रहे हैं, ऑर्डर बना रहे हैं ये सेलरी बर्निंग. इन्होंने ऐसा ऑर्डर बनाया. तो अगर ये ऐसा रेसिड्यू और ऐसा आपका ऑर्डर बना रहे हैं तो वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है नायलॉन एंड अदर सिंथेटिक नायलॉनिक नेचर का अदर सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी. ये कैसा रेसिड्यू क्रिएट करेंगे, कैसा रेसिड्यू बना रहे हैं. अगर ये रेसिड्यू बनाते हैं ब्लैक हॉलो मास जो कि क्या है, क्रशेबल. जब वो जल के इकट्ठा हो जाएगा, मेल्ट होके इकट्ठा हो जाएगा, तो आप उसको इजीली क्रश कर सकते हो अगर ये क्रशेबल है. और ऑर्डर कैसा क्रिएट कर रहा है, ऑर्डर कैसा क्रिएट कर रहा है, ये ऑर्डर क्रिएट कर रहा है हेयर बर्निंग स्मेल. ठीक है, हेयर बर्निंग या फिर कैसा, बर्निंग मीट. वी कैन राइट मीट बर्निंग. जब मीट बर्न होता है तो जैसा स्मेल होता है, अगर हेयर बर्निंग जैसा या मीट बर्निंग जैसा स्मेल है, लेट्स राइट मीट बर्निंग. अगर मीट बर्निंग स्मेल है तो ये क्या हो सकता है, ये आपका फाइबर हो सकता है, अगेन सिंथेटिक फाइबर.
ठीक है, ये कैसे हो सो, ये इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है सिंथेटिक। सिंथेटिक में कौन कौन से फाइबर्स आ जाएंगे? ये आ जाएगा सिल्क हो जाएगा, वूल हो जाएगा, ठीक है, सिल्क वूल एंड योर ट्राई एसिटेट्स, सिल्क वूल एंड ट्राई एसिटेट्स। ओके, मीट मीट बर्निंग स्मेल देता है सिल्क, ठीक है, एंड हेयर बर्निंग स्मेल देता है वूल, है ना, एंड ट्राई एसिडेट्स, ट्राई एसिडेट्स, ये सारे इस कैटेगरी के फाइबर हो सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकते हैं, इस कैटेगरी के फाइबर हो सकते हैं। तो सेल्फ एस्टिंग्विशेबल फाइबर देख लिया, नॉन सेल्फ एस्टिंग्विशेबल फाइबर देख लिया। अच्छा, अब वो सारे फाइबर्स जो कि हीट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू, ये तो आप इसको सेल्फ एस्टिंग्विशेबल में भी कैटेगराइज नहीं कर सकते, नॉन सेल्फ एस्टिंग्विशेबल में भी कैटेगराइज नहीं कर सकते। सो दे डू नॉट रिएक्ट टू हीट। कौन सा फाइबर हो गया, कौन सा फाइबर हो गया? बहुत ईजी एग्जाम्पल है इसका, है एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस फाइबर। ये कौन सा फाइबर है आपका? मिनरल फाइबर, ठीक है, ये हीट को रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसलिए ही हीट पे रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इससे क्या बनते हैं? फायर फाइटर सूट्स। ठीक है, फायर फाइटर के सूट्स एस्बेस्टोस फाइबर से ही बनते हैं, क्योंकि ये सेफ है, ये हीट पे रिएक्ट नहीं करते। इसके बाद एक टेबल आने वाली है, ठीक है, एक टेबल है बोन टेस्ट की। सो वो टेबल हम बोन टेस्ट की नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। बोन टेस्ट का फुल टेबल है, डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स आपके फ्लेम को, हीट को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसा फ्लेम में कैसा बिहेव करते हैं, फ्लेम के आउटसाइड कैसा बिहेव करते हैं, कैसी स्मेल या ओडर क्रिएट करते हैं, या रेसिड्यू कैसे क्रिएट करते हैं, वो हम नेक्स्ट, ठीक है, क्लास में देखेंगे। तो ऑलरेडी वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, आप सब बोर हो जाते हो, इसलिए वी आर ट्राइंग टू कीप आवर वीडियो शॉर्ट, ठीक है। तो बोन टेस्ट, केमिकल टेस्ट का फर्स्ट वीडियो है। केमिकल टेस्ट में बोन टेस्ट आपने शुरू किया है, हमने देखा सेल्फ एस्टिंग्विशेबल एंड नॉन सेल्फ एस्टिंग्विशेबल फाइबर्स। बोन टेस्ट, बोन टेस्ट किसके अंदर आता है? केमिकल टेस्ट। बोन टेस्ट इज अ केमिकल टेस्ट। ओके, सो अभी के लिए ये लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी द चार्ट, बोन टेस्ट का चार्ट, एंड सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो एक थम्स अप दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। PPT के लिए थोड़ा वेट कर लो, सारा एग्जामिनेशन कम्प्लीट करने के बाद ये ही PDF आई विल जस्ट पोस्ट इन दी टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लो, जैसे ही ये अपडेट होगा वहाँ पे आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय। कोई भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो कमेंट में बता दो कि ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन वीडियो हमें देनी है। ओके, सो बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।